जीवन कठिन बहुत कठिन है, कभी दुख की रातें कभी खुशी के दिन है। आशाओं की किरणों से जीवन की डोर बंधी है, आशाओं की किरणों से जीवन की डोर बंधी है। आप चलिए बाबा। कहाँ होगा बेटा पुलिस थाने जाकर है? बाबा उस नटवर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने। थोड़ा सा धैर्य रख, बहुत जल्दी बताएंगे, बस उसकी हाँ की देरी है। हम तो हर सगी माँ नहीं, लेकिन हमारी जगह अगर तुम्हार सगी माँ भी होती ना तो इन्हीं कहती कि तुम्हें अर्जुन के साथ ब्याह रचाना चाहिए। अरे पूर्वा। हाँ बाबा। अरे पूर्वा जल्दी चल बिटिया, पुलिस स्टेशन चलना है, देर हो जाएगी बेटा। आई किलो बिना दूध की चाय। घर में कोनो बात की कोनो को फिकर है नहीं ना, तो पियो फिर बिना दूध की चाय। धर्मपाल, धर्मपाल जी, धर्मपाल, धर्मपाल जी, धर्मपाल, धर्मपाल, हम लोग मारे जा रहे हैं, कुछ तो करो भैया। अरे लेकिन क्या हुआ भाई? देखो धर्मपाल, नहर में पानी आया, प्रधान जी ने उसे ऊपर ही रोक लिया है। कह रहे हैं कि अगर पानी नीचे छोड़ा तो धर्मपाल अपने खेत भर लेगा, और वो उन्हें मंजूर नहीं है। बुरा मत मानना भैया, तुम अपने खेत में पानी मत चलाना, नहीं तो हम गरीब पे मुसीबत आ जाएगी भैया। अरे भाई काहे नहीं चलाए अभी, हाँ सरकारी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल करने का हक हमको भी है कि नहीं है? तुम दोनों के झगड़े में हम गरीब मारे जाएंगे भैया। अरे लेकिन अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती है, मतलब अगर हो तो बताओ। देखो धर्मपाल, हम सब जानते हैं तुम बहुत अच्छे आदमी हो, लेकिन इस वक्त हम सब मुसीबत में। हमारी सलाह यह है कि तुम प्रधान से किसी तरह सुलह कर लो ताकि हम सबकी जान बच सके। इस बारे में सोचना। हाँ धर्मपाल। हाँ भैया। हाँ सोचू। अरे लेकिन देखा बेटा, देखा देखा, अब तो पुलिस पे जाके प्रधान के खिलाफ शिकायत करनी होगी बेटा, चल। नहीं बाबा, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इस मामले को और मत बढ़ाइए, बस कैसे भी करके हमारी गाय वापस मिल जाए और हम कर से मुक्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये क्या कह रहे बेटा तू? सही कह रहे हैं बाबा, वो हमें कॉलेज में कुछ जरूरी काम आ गया है, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। रुक बेटा, रुक जा। देख हम तुमके बाप हैं, हमको सब पता है तुम्हारे मन में कहाँ कहाँ चल रहा है। सच बता, कहाँ जा रही है तुम? कॉलेज जा रही है कहीं और? कॉलेज जा रहे हैं बाबा, और कहाँ जाएंगे? झूठ, झूठ बोल रही है, क्या झूठ? झूठ? लेकिन हम काहे झूठ बोलेंगे बाबा? आज से पहले कभी झूठ बोला है आपसे जो आज बोलेंगे? अरे वो तो हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं कि आज ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें ऐसा झूठ बोलना पड़ रहा है, यूं आंखें चुराना पड़ रहा है हमसे? आज का हम ऐसे आदमी हो गए एकदम कि तुम अपने मन की बात भी हमसे ना कह सको है? अरे इस बुरे हालत में तुम ही एक सहारा थी बेटा, तुमसे अपने मन की सुख दुख की बात कह के अपना मन हल्का कर लिया करते थे हम, आज तुमने वो भी सहारा छीन लिया है? बस बहुत हो गया बाबा, अब मुझसे इस घर की हालत नहीं देखे जा रहे, इसीलिए हमने अर्जुन से शादी करने का फैसला कर लिया,
आज यही बात हम उसे बताने जा रहे हैं। और अब की बारी जल्दी जल्दी आती रहना तुम। हाँ हम बता रहे हैं, तुम तो बहुत नाराज हैं, इतनी बगल में रहती हो पर आती नहीं हो यहाँ पर। अच्छा तो ये बात तो हम आपसे भी कह सकते हैं ना, इतनी पास में रहते लेकिन कभी घर नहीं आते भाई आप। अब तेरा भाई बिजी आदमी इससे कैसे आ जाएगा। ओहो बिजी, प्यार के लिए तो वक्त ही वक्त है लेकिन जब बहन की बारी आती है तो बिजी। मतलब हमने गलती कर दी ना तुमको अपने प्यार के बारे में बता करके। कुछ भी बोल रही हो। कुछ भी नहीं बोल रही मैं, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। चुपचाप जल्दी से भाभी को अब घर में लेके आओ, अब तो मैं डायरेक्टली आपके एंगेजमेंट पे ही आऊंगी। भगवान करे कि भगवान जी तेरी सुन ले, जल्दी से सुन लो भगवान क्या कह रही है। भाई हमारी विशेष हमेशा आपके साथ है। अच्छा चल तू जा फटाक से। हाँ तू ज्यादा इमोशनल मत हो, और कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, कुछ भी जरूरत हो फटाक से बता। तेरा भाई और तेरे ताऊजी दोनों के दोनों हाजिर हैं। ओके भैया चल चल जा। आपने मुझे मेरी होने वाली भाभी का नाम तो बताया ही नहीं। नाम में क्या रखा है, तू जल्दी से आ तुझे मिलवा दूंगा। चल भाग। बाय भैया। चल चल आराम से ड्राइव करियो। ओके। हाँ कुछ पता भी है तुमको, क्या बोल रही है तू? बड़ा सोच समझ ले सब बोल। हम सोच समझ कर ही बोल रहे हैं बाबा। अरे दिमाग ही खराब हो गया तेरा। पूरे होशो हवास में। अरे तेरे सपनों का क्या, जिसके लिए तुमने रात दिन एक कर दिया, अपनी नींद तक हराम कर ली बेटा। जिंदा रहेंगे तो सपने पूरे होंगे ना। तो नटवर सिंह ने तुम्हें काम से निकाल दिया और तुम गुस्सा दिखाने के लिए उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट करने आए। बोलो पकड़ा ना हमने। एक नई आशा। तो आज तुमने हार मान ही ली है? बाबा हम इंसान हैं, देवता नहीं। आज तक हमें इतना दर्द इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई थी बेटा जितनी आज हुई है। हमारे इस घर में अभाव था, मुश्किलें थी, लेकिन तुम्हारे रूप में एक उम्मीद थी बेटा, एक हौसला था। तेरी बातों से सबको ताकत मिलती थी बेटा। लगता था कि है बिटिया है ना, हम एक न एक दिन जरूर जीत जाएंगे, एक न एक दिन अच्छे दिन जरूर आएंगे। मगर आज ये उम्मीद भी टूटती रही बेटा। तमाम तकलीफों में मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम हारोगी, कभी नहीं लगा। और आज अरे यही करना था तो पहले कहीं नहीं किया, पहले ही हाँ कर देती तो ये दिन देखने की नौबत तो ना आती। ठीक है बेटा, लेकिन याद रख तू कमजोर हो सकती है, मैं नहीं। तू दबाव में आ सकती है लेकिन मैं नहीं। ए अम्मा मैं थाने जा रहा हूं, मैं अकेले ही जाऊंगा, उन नेटवर्क के खिलाफ मैं शिकायत दर्ज करूंगा, अकेले ही जाऊंगा मैं। हाँ याद रख बेटा, अगर तुझे उस कुंडे से शादी करनी है तो तुझे मेरे घर से अकेले जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा तेरे मंडप में कन्यादान करने। अरे अम्मा माँ जिस बेटी को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है उसको अपने ही हाथों से कसाई को कह दे तू। भगवान बेटी को अक्कल आई तो बात सची आ गया। अब तक हम तुम्हारी बात इसलिए मानते रहे कि अब तक तुम सही थी, तुम्हारी हर बात सही थी,
लेकिन अगर तुम ये समझ लो कि हम तुम्हारी गलत बात को भी मान लेंगे तो कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। अरे कोई जवान ध्यान बिटिया से ऐसे बात कर रहा था हा? अरे उसके सर पर उसके हाथ रख के उसे पूछ तो कि आखिर क्या बात है जो दुश्मन से बिया के लिए हाँ कर दी सर, कि खुद पे बोलता रहेगा क्योंकि कुछ नहीं सुनेगा। अरे उसे पूछ तो कि वो काहे अपना मन बदल ली सर। अरे तोरी दादी कुछ पूछ रही है, अरे उसका तो जवाब दे। हम आपको आप लोगों को इस बुरी हालत में नहीं देख सकते, और वो भी अपने कारण, शायद भगवान ने हमारे भाग्य में ही लिखा है। इंसान अपने मेहनत से अपना भाग्य खुद लिखता है, पहले से कुछ लिखा नहीं होता, सब झूठ है ये। इंसान जो कर्म करता है ना उसके फल उसे वैसा ही मिलता है। एक बेटा तू अगर ये समझ रही है ना कि हम ये सब करके तुझे तकलीफ दे रहे हैं तो बेटा बहुत बहुत गलत सोच रही है, तू बहुत गलत सोच रही है। बेटा तुम्हारी खुशी में हम सब घर परिवार की खुशी है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू अपने सपने के साथ भी खुश रह सकती है। इसीलिए बेटा देख, बहुत सोच समझ कर फैसला कर। मैं थाने जा रहा हूँ। अरे नहीं बिटुआ, हम तो अकेले नहीं जाने देंगे, हम वो चलेंगे दोनों संगे। अरे तू कैसी तकलीफ ले रही है अम्मा, वहाँ बहुत तकलीफ होगी। अरे नहीं बिटुआ, थाने में ना बुजुर्गों की बहुत सुनी जा रही है, चल तू हमें। चल बाबा, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम कमजोर नहीं है बाबा, बस आप लोग के बारे में सोच के मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटा, तू बिल्कुल कमजोर नहीं है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर आप लोगों ने अपने मन की ना तो हम भी अपने मन ही की करेंगे, देख लेना। क्या काम है दरोगा जी? बोलो ना भाई, क्या काम है दरोगा जी? दरोगा जी, बोलो क्या बात है दरोगा बाबू? नटवर सिंह और उसके आदमी हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए, सारा सामान घर का इधर उधर फेंक दिया, हमारी गाय भी उठा के ले गए, और आज हमारे खेत को पानी भी नहीं दे रहे हैं। देखो भाई, ये है पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग तो है नहीं, तो ये जो तुम्हारा दूसरा वाला प्रॉब्लम है ना, पानी वाला, भाई इसके लिए तो तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। और रही पहले वाले प्रॉब्लम की बात, तो तुम लोग नटवर सिंह जैसे शरीफ इंसान पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं दरोगा साहब, हम गरीब जरूर हैं पर झूठे नहीं, हम कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले हैं। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हैं? हम नटवर सिंह को अच्छे से जानते हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं ऐसा हुआ है साहब, बस कल ही की तो बात है। तो कल क्यों नहीं आए तुम लोग, हैं? आज काहे आए, बोलो। ये तो नटवर सिंह का मुनीम है। हाँ साहब, लेकिन अब नहीं हूं, अब समझे हम।
तो नटवर सिंह ने तुम्हें काम से निकाल दिया और तुम गुस्सा दिखाने के लिए उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट करने आए हो। बोलो, पकड़ाना हमने? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो नटवर, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, मैं सबको अंदर कर दूंगा। चुपचाप जैसे आए हो ना, वैसे ही वापस चले जाओ। समझ में आई बात? दरोगा साहब, आप यहाँ लोगों की मदद के लिए हैं या लोगों को जेल के अंदर डाले खातिर? ए बुढ़िया, उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो सबको भी अंदर कर देते रहे। चलो दफा हो जाए यहाँ से। देखिए, आप इस तरह पेश नहीं आ सकते, नहीं तो हम आपकी शिकायत ऊपर तक करेंगे। ऊपर नीचे जहां मर्जी जाके शिकायत करनी है कर दो, लेकिन अभी यहां से जाओ, नहीं तो सबको बता रहे हैं अंदर कर देंगे। निकलो यहां से। शिकायत करेंगे हमारी हमारी शिकायत करेंगे। पानी लाओ, एक गिलास जाओ। पुलिस थाने काहे के लिए होता है कि गरीबों की मदद कर देगा? दादी, अम्मा, दादी, परवाई एक नई आशा। सुनो तुम लोग, और किसी को माल मिले ना मिले, अपना स्टॉक फुल होना चाहिए, समझे? यूरिया का भी और डीएपी का भी। अब चलो निकलो यहाँ से, सब कुछ अपने हाथ में ले लो, समझे? आराम से लेके जाना। मालिक। अरे धनिया, तू यहाँ आज इधर का रास्ता कैसे भटक गई? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है सरकार, इस घर का नमक खाके तो जिंदगी गुजार दी हमने, अब घर वालों की मति मारी गई है तो इसमें हम क्या करें? उन लोगों से छुपते छुपाते यहाँ आए हैं हम आपके पास। आपका गेहूं के साथ गुण भी पीसेंगे आप? हाँ, हम कह रहे हैं मालिक, ये सारी गलती है ना वो कल वही पूर्वा की है, और दर दर भटक रहे हैं हम। अब आप ही बताइए, सब ठीक है ये? वैसे बुरा तो हमको भी लगा था उसे। खैर, सब कुछ चाहिए हो तो बोल देना हमको, कुछ भी जरूरत हो, समझी? जरूर सरकार, अब आप ही से तो बोलेंगे ना हम। तो बोलो फिर, क्या चाहिए? क्या चाहिए वो? क्या खुशर खुशर लगा रखी है इसके साथ? अम्मा, ये अपना धनिया है, जानती है ना आप? जानते हैं। बेचारी अपना दुखड़ा रोने आई है मेरे पास, अपने पास। हम सुन लेंगे, तुम जाओ। बड़े आए हैं दुखड़ा रोने के लिए, कहो क्या बात है? अब वो मालकिन प्रधान जी से कहिए ना कि हमारे घर वालों को बख्श दे। हाँ, प्रधान जी क्या करेंगे? सब कुछ तुम्हारे पति और बेटी के ही हाथ में है। बहुत चर्बी चढ़ गया है उनके दिमाग में। हाँ, हेलो, हाँ हाँ, क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा हम रख रहे हैं फोन। थानेदार का फोन आया था, धर्मपाल और पुरवा गए थे हमारी शिकायत करने के लिए थाने में, और तुम यहां अपना दुखड़ा रो रही हो?
हे भगवान, हम तो परेशान हो गए समझा समझा के, कितना समझाए थे पर एक बात नहीं सुनी। अब हमारे ही घर वालों की मर्जी पर ओले पड़ गए तो हम का सरे मान के हम तो खुद परेशान। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, हम तो बस ये कहेंगे। हाँ लेकिन हमको अच्छा लगा कि तुम्हारी सोच कम से कम उन लोगों से अलग है, दुनियादारी की समझ है तुम्हें। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मांग लेना। हाँ हाँ मालकिन, अब आपसे नहीं बोलेंगे तो फिर और किससे बोलने जाएंगे। हाँ थोड़ा रुपया मिल जाता तो। लो पकड़ो इसे और उन लोगों को संभालना, ठीक है? जरूर जरूर मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार भरा पूरा रहे, बहुत बरकत हो आपके घर में, है मालकिन? बताओ गरीबन की कौन इज्जत है कि नहीं? अरे है ही इतना बड़बड़ कर रही है, चिंता मत करो दादी। और का? अरे पुलिस थाना काहे के लिए होता है कि गरीबन की मदद कर देना। दादी अम्मा, दादी बाबा लगते हैं समय का दौर आ गया। दादी जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलिए। हाँ बेटा रुकिए, हम गाड़ी देखते हैं। भैया हमारी दादी की हालत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल लेके जाना है। तो हमें बुला ना भैया, तब तक बहुत देर हो जाएगी। मदद नहीं कर सकती प्लीज भैया, भैया कुछ नहीं होगा दादी, ना हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अच्छा पूर्वा एक बात बताओ, तुम लोग वहाँ उस सुनसान सड़क पे क्या कर रहे थे अकेले? क्या बताया वर्षा जी, बहुत परेशानी में। ये जो नेटवर लाल है ना, हमारे घर को तबाह करके रखा है। हमारे चाचा यहाँ के विधायक हैं, MLA, बूझ रहे कि नहीं? यहाँ के मीडिया तंत्र को अगर पता चल गया कि हमारे संबंधी के खिलाफ रिपोर्ट लिखने से तुमने मना कर दिया तो क्या अंजाम होगा? किस किस को सफाई देंगे हमारे चाचा? मेहनत की पहियों से जीवन गाड़ी चलती है।